खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट उकवा से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के प्रदर्शन में सेक्टर से पहुंचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका। जैसा कि पूरे मध्य प्रदेश में 15 मार्च से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा, पर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के कानों में जू तक नहीं रेंग रही, इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के द्वारा समय समय पर अपने अपने क्षेत्रों में भी रैली निकालकर शासन को अवगत कराने का काम किया जा रहा। सीता जन्म में 1 अप्रैल 2023 को जिला मुख्यालय में पूरे जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम एवं रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर कार्यालय के गेट में चक्का जाम कर अपनी मांगों को मनवाने के लिए तथा जिले के कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से आमने सामने होकर चर्चा करने के लिए वहां पहुंचे तो कलेक्टर महोदय के द्वारा पहले तो तहसीलदार को भेज दिया गया, उसके बाद में अपर कलेक्टर श्री गोविंद मरकाम साहब को भेजा गया, पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के द्वारा कलेक्टर से ही मिलने की बात पर अड़े हुए थे। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। किस मांगों के लिए आज हम लोग 18वां दिन है हड़ताल का, क्योंकि हमारी सारी मांगे हैं, इसमें 7 मांगे नियमित है। पहला तो है कि हमें नियमित किया जाए, जो हमारी दूसरी मांग है कि हमारी बहन जो रिटायर होती है उसको तत्काल, जो शिवराज सिंह सरकार ने 2018 में घोषणा किए थे उसने अभी तक भी उस आदेश को लागू नहीं किया है। जो रिटायर हुई हमारी बहन है उनको 1,00,000 रुपये कार्यकर्ता को और सहायिका बहनों को 75,000 रुपये उन्हें खुद अपने मुँह से कहा था कि दिया जाएगा, लेकिन उनको अभी तक कोई राशि नहीं मिली और ना ही उनके लिए कोई अभी तक आदेश आया है। और जो 1,500 रुपये कटौती की गई थी अभी तक 2018 में उसको हमें एरे से भुगतान किया जाए। अभी कितने दिन से हड़ताल चल रही है? अभी हमारे को 2018वां दिन हो गया हड़ताल का, आगे जारी। आज तो हमारा डिसीजन, अब देखो संयुक्त मोर्चे की लड़ाई है, जो ऊपर से डिसीजन आएगा वैसे हम लोग काम करेंगे, नहीं तो अन्यथा अभी हम लोग की हड़ताल जारी रहेगी। आज आप लोग कलेक्टर साहब के लिए अड़े हुए थे, कलेक्टर आके ज्ञापन दे, क्यों नहीं आ रहे कलेक्टर? क्या समझ में? कलेक्टर साहब तो बिल्कुल सरकार के दबाव में चल रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं, उनको तो मुख्यमंत्री से ही फुर्सत नहीं है। जैसे मुख्यमंत्री बोलेंगे वैसे कलेक्टर साहब बोलेंगे, जब कलेक्टर साहब के आदेश निकलते तो जनता को दबाने का प्रयास करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है, सारी काम सरकार हमसे करवाती है, हमें ये दबाइए ऐसा नहीं चलेगा, ये दबन नीति नहीं चलने देंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा अंजनी विश्वास।